हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी जो बहुत ही अच्छा सल्यूशन है हम सबके लिए लेफ्ट ओवर मिठाई का। जी हाँ फ्रेंड्स, एज यू नो अभी वेडिंग सीजन चल रहा है या फिर कोई भी फेस्टिव सीजन होता है लाइक दिवाली या होली, हमारे यहाँ बहुत मिठाई इकट्ठी हो जाती है जिसे ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फॉर स्पेशली फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली या छोटी फैमिली हो। तो मैं एक बहुत अच्छा सल्यूशन आप लोगों को बताती हूँ उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स मिठाई मिल्क शेक, यानी सारी मिठाइयों को मिक्स करके मैं इसका बहुत ही टेस्टी बहुत ही टेम्पटिंग मिल्क शेक बनाने जा रही हूँ जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत अच्छा लगता है प्लस हेल्दी भी होता है। क्योंकि जो हमारी ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ होती हैं उससे हम जब मिल्क शेक बनाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है और उनके लिए हेल्दी भी होता है। आप ये 1 साल से बड़े बच्चों को लेकर किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी इसे पी सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हम ले रहे हैं मिठाई जो भी आपके पास हो, ज़रूरी नहीं है ड्राई फ्रूट की मिठाई हो, आपके पास खोए की मिठाई हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं ले रही हूँ 1 कप दूध यानी मिल्क, बाकी मैं ले रही हूँ डाबर हनी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप नहीं डालें, या अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। वैसे मिठाइयाँ इनफ मीठी हो जाती हैं जो हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो देख शुरुआत करते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले हमें एक जार में ये मेरे पास काजू का कलश है ये डाल रही हूँ, थोड़ा क्रम्बल करके, मैं ऐसे हाथ से ही क्रम्बल कर रही हूँ। बाकी मैं डाल रही हूँ देखिए पिस्ता रोल है, इसको भी हल्का सा बस क्रम्बल करके मैं मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। लास्ट में ले रही हूँ ये खजूर की स्ट्रॉबेरी मिठाई है, इसको भी ब्रश क्रम्बल करके जैसे अच्छे से चर्म हो जाए, छोटे छोटे पीस में हाथ से क्रम्बल करके मैं इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ। बस हमें यही डालना है। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं दूध, आप चाहें तो ज़्यादा मिठाई भी ले सकते हैं, कम मिठाई भी ले सकते हैं। अभी मैं दूध कम डाल रही हूँ जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए, और थोड़ा सा हनी। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप ना भी डालें इसे, मैंने बहुत थोड़ा ही डाला है, ऑलमोस्ट 1 छोटी चम्मच। बस अब हम इसे बंद करके एक बार मिक्सी में चर्म कर लेते हैं। अच्छे से मैंने इसे मिक्सी में अच्छे से चर्म कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना टैम्पिंग सा कलर आया है इसका, और ये बहुत गाढ़ा भी हो गया है क्योंकि मिठाई इसमें चर्म होके इसको एक बहुत ही गाढ़ा और थिक सा टेक्स्चर बना दिया है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अपना बचा हुआ दूध डाल के इसे एक बार और चर्म कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मिठाइयों में ऑलरेडी फ्लेवर बहुत होता है इलायची का, तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला, आप चाहें तो डाल सकते हैं। एक बार और चम कर लेती हूँ। ये देखिए फिर हमारा मिक्स मिठाई शेक जो है वो बनके तैयार है। मैं इसे ग्लास में पोर करके दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा बना है और कितना ज़्यादा इसमें जो है झाग आ चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा सल्यूशन है, हमारी मिठाई बच जाती है उसके लिए, और बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से पीते हैं, तो एक टेंशन ये ख़त्म हो जाती है कि उन्हें ये खिलाना है या वो खिलाना है। इसमें ड्राई फ्रूट्स प्लस दूध सारी चीज़ें इसमें गेट टुगेदर होकर चले जाती हैं। होप मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हो। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। थैंक यू।